Hello students, today I am telling about the concept of the evaporation in this video. What is the evaporation? Evaporation कैसे कहते हैं? जैसे कि भी हमने पढ़ा था कि boiling क्या होती है. Boiling का मतलब होता है कि the conversion of liquid into gas. Liquid का gaseous state में change होना. That takes place at a constant temperature. That is called the boiling point. यानी कहने का मतलब है कि लिक्विड का गैस में जब कन्वर्जन होता है तो वो एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर होता है. एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर होता है. सो दिस इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट एंड कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड द बॉइलिंग. की वो बॉइलिंग कहलाता है कि जब पानी वेपर स्टेट में जाता है तो वो एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर स्टार्ट होता है. दैट इज कॉल्ड द बॉइलिंग. तो उसमें क्या होता है, बबल्स बनते हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम अगर इवेपोरेशन की बात करें तो इवेपोरेशन का मतलब भी वही है कि लिक्विड का गैसेस स्टेट में चेंज होना. लेकिन यहाँ पर आपका जो टेम्परेचर है बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट इवेपोरेशन कहलाता है. इट मीन्स इवेपोरेशन इज द कंसेप्ट ऑफ द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इंटू गैस. लिक्विड का गैस में कन्वर्जन होना, दैट टेक्स प्लेस एट एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट. बिना बॉइलिंग पॉइंट अचीव किए एक लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, दैट इज कॉल्ड द इवेपोरेशन. क्या कहलाता है? इवेपोरेशन. देखिए, इवेपोरेशन होने के लिए बॉइलिंग पॉइंट अचीव नहीं किया जाता है. ये बात मेन है इसमें कि किसी भी टेम्परेचर, क्योंकि अगर हमारी सराउंडिंग का टेम्परेचर, आप जानते हैं कि सराउंडिंग का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से बहुत कम होता है, 35-40 ज्यादा से ज्यादा. और क्योंकि हमारी सराउंडिंग का टेम्परेचर 100 नहीं होता, यही कारण है कि कोई भी जो लिक्विड है सराउंडिंग में, किसी भी पॉन्ड वगैरह में, वो बॉइल नहीं होता, क्योंकि बॉइलिंग के लिए 100 डिग्री सेल्सियस का होना जरूरी है. तो यहाँ पर डिफरेंस क्या कहलाता है बॉइलिंग और इवेपोरेशन को, हाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट ये इवेपोरेशन और ये हम देखते हैं बॉइलिंग क्या है. आप जानते हैं कि इवेपोरेशन जो है इसमें ये किसी भी टेम्परेचर पर होता है, एट एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट. लेकिन बॉइलिंग द टेक्स प्लेस एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर होता है, दैट इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट. ये इसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है जिस कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर बॉइलिंग स्टार्ट होती है. इवेपोरेशन का जो कॉन्सेप्ट है, इवेपोरेशन में आप जो हीट ले रहा है वो कहाँ से ले रहा है? सराउंडिंग हीट. लेकिन क्योंकि आप जानते हैं सराउंडिंग से हीट, क्योंकि यहाँ पे बिलो द बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट है, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर इतना होता है कि वो आसानी से लिक्विड गैस स्टेट में जा सकता है. तो सराउंडिंग हीट की रिक्वायरमेंट होती है, सराउंडिंग से हीट लेकर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट रहती है सराउंडिंग हीट, तो आसानी से वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड टू गैस स्टेट में. लेकिन अगर मैं बॉइलिंग की बात करूँ तो बॉइलिंग के लिए टेम्परेचर होना जरूरी है, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर होना जरूरी है. अगर हम वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस. तो जब तक 100 डिग्री सेल्सियस अचीव नहीं होगा तब तक वाटर जो है डज नॉट स्टार्ट टू बॉइल नहीं होता. तो यहाँ पर अब 100 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर अचीव करवाना है, क्योंकि आपका सराउंडिंग का टेम्परेचर तो उससे कम है, तो ऑब्वियसली आपको हीट की रिक्वायरमेंट है. आपको यहाँ पर हीट की रिक्वायरमेंट है, यानी आपको यहाँ पर एक्सटर्नल हीट जो है उसको प्रोवाइड करानी पड़ेगी ताकि वो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए और बॉइलिंग स्टार्ट हो जाए. ठीक है, दूसरी बात ये हम करते हैं कि जब इवेपोरेशन होता है, एक सरफेस कॉन्सेप्ट है, सरफेस फिनोमिना है. जबकि ये जो होता है एक बल्क है, बल्क फिनोमिना है. कैसे? आपका ये जो है बल्क फिनोमिना है. अगर मैं इवेपोरेशन की बात करूं तो एक सरफेस फिनोमिना है. कैसे? देखिए, आपके सपोज दैट आपने देखा होगा ये टम्बलर है. टम्बलर में पानी भर के आपने इसमें रखा हुआ, यहाँ तक का वाटर लेवल है. एक दो दिन में देखते हो तो वाटर का लेवल ये था, लेकिन अब ये थोड़ा सा नीचे हो गया. इसका मतलब पानी कहाँ चला गया? एवोपोरेट हो गया. पानी का लेवल कम हो गया, यानी पानी एवोपोरेट हो गया. इट मीन्स कि वो सराउंडिंग से हीट ले रहा है और वाटर क्या हो रहा है? एवोपोरेट हो रहा है. तो ये एक सर्फेस फिनोमिना, देख रहे हैं, सर्फेस से पानी नीचे जाता जा रहा है. इट मीन्स कि यहाँ पर एक सर्फेस कॉन्सेप्ट क्यों है? क्योंकि जो ऊपर के मॉलिक्यूल, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि इसको हीट चाहिए. स्लो प्रोसेस है, इसको हीट चाहिए. तो हीट कहाँ से ले रहा है? ये सराउंडिंग से, हीट सराउंडिंग से गैदर कर रहा है. जैसे ही वो हीट लेता है, अपर सरफेस के जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इस हीट की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है पार्टिकल्स के बीच में, वो ब्रेक हो जाता है और
जिसके कारण पार्टिकल्स की अपर सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन फोर्स को ब्रेक होते ही पार्टिकल्स मूव करते हैं एंड चेंज इनटू द गैस स्टेट में चले जाते हैं. सो दैट्स व्हाई इट इज अ सरफेस फिनोमेना, क्योंकि अपर सरफेस पर, क्योंकि सराउंडिंग से हीट ले रहा है तो सबसे पहले ऊपर के मॉलिक्यूल्स, ऑब्वियसली ऊपर के मॉलिक्यूल जो ऊपर है वो हीट लेंगे. हीट लेते हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है जिसके कारण फोर्स ऑफ मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है, स्पेस इंक्रीज हो जाता है. जैसे कि हमने पढ़ा है पार्टिकल्स के बीच का स्पेस बढ़ते ही पार्टिकल्स मूव करते हैं और उनकी स्टेट चेंज हो जाती है, लिक्विड चेंज इनटू द गैसेस स्टेट. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ सरफेस फिनोमेना. सरफेस फिनोमेना, अगर मैं यहाँ बात करती हूँ, ये एक बल्क फिनोमेना है. बल्क है यानी बल्क का मतलब बॉइलिंग अकर्स इन द एंटायर लिक्विड, पूरे लिक्विड में होती है. इसमें आप देखेंगे जैसे सपोज दैट आप ये वाटर आपने इसमें लिया, एक कंटेनर में आप वाटर लिया, ठीक है. आपने जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी सराउंडिंग का टेम्परेचर तो 100 होता नहीं है, तो ऑब्वियसली यू विल प्रोवाइड द एक्सटर्नल हीट. आप इसको एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड कराएंगे तो जैसे ही वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा जब आप इसको हीट दे रहे हैं, ठीक है. जैसे आप इसको हीट दे रहे हैं तो सबसे पहले अब बताओ ऊपर के मॉलिक्यूल्स पहले हीट ले रहे हैं, नीचे के मॉलिक्यूल्स हीट ले रहे हैं. ऑब्वियसली नीचे के जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, आप देख रहे हैं ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं सारे, ठीक. ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं तो सबसे पहले कौन से मॉलिक्यूल्स हीट लेंगे जो नीचे के हैं. तो क्या होता है कि नीचे के मॉलिक्यूल्स पहले हीट लेते हैं, हीट लेकर वॉर्म जो है इनमें हल्के हो जाते हैं, जो है लाइटर हो जाते हैं, गर्म मॉलिक्यूल्स हल्के हो जाते हैं एयर के और ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि हल्की चीज़ हमेशा उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, ऊपर आती है, भारी चीज़ नीचे आ जाती है. तो सेम कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले नीचे के मॉलिक्यूल्स हीट लेकर हल्के हो जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, तो ये मॉलिक्यूल्स तो ऊपर आ जाते हैं क्योंकि वो हल्के हो जाते हैं, ठीक है. ऊपर के भारी मॉलिक्यूल्स हैं इसलिए वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं. और ये प्रोसेस यानी नीचे से हल्के मॉलिक्यूल ऊपर, ऊपर के भारी मॉलिक्यूल्स नीचे, ये कन्वेक्शन, एक टाइप की कन्वेक्शन साइकिल, ऐसे कन्वेक्शन साइकिल क्रिएट हो जाते हैं. आप देख रहे हैं नीचे के हल्के, नीचे हीट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट लेकर हल्के हो जाते हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर के मॉलिक्यूल्स नीचे आ जाते हैं. तो ये साइकिल, ऐसे कन्वेक्शन साइकिल क्रिएट होती है वाटर के अंदर, इसलिए एंटायर लिक्विड में हो रही है बॉइलिंग, एंटायर लिक्विड में हो रही है, ठीक है. तो ये जो कॉन्सेप्ट है तब तक चलता रहता है कि जब तक कि आपका पूरा एंटायर लिक्विड, सभी वाटर मॉलिक्यूल्स यूनिफॉर्मली हीटेड नहीं हो जाते, ठीक है. और इसलिए हम कहते हैं कि ये पूरे एंटायर लिक्विड में बॉइलिंग हो रही है, ठीक. अब जब पूरा वाटर मॉलिक्यूल्स, सभी वाटर मॉलिक्यूल्स यूनिफॉर्मली हीटेड हो जाते हैं और टेम्परेचर कितना पहुंच जाता है 100 डिग्री सेल्सियस, सो दे लीव देयर स्टेट और अपनी स्टेट को छोड़ना शुरू कर देते हैं. सो वाटर स्टार्ट टू इन द गैस स्टेट. वाटर किस स्टेट में जाना शुरू कर देता है? गैस स्टेट पे जाना शुरू कर देता है. सो वी कैन से इट इज द बल्क फिनोमेना. कैसा फिनोमेना है? बल्क फिनोमेना. आपने देखा यहाँ पर इवेपोरेशन के केस में सबसे ऊपर की सरफेस के जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ऑब्वियसली सराउंडिंग से हीट लेके पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ब्रेक होता है, गैप इंक्रीज हो जाता है, ठीक है. और मॉलिक्यूल्स अपनी स्टेट को छोड़ देते हैं, अपनी पोजीशन को छोड़ देते हैं, गैस स्टेट में चले जाते हैं. लेकिन वन बाय वन लेयर होता रहता है. सो दिस इज द स्लो प्रोसेस. एक स्लो प्रोसेस है क्योंकि हीट कहाँ से ली जा रही है? ऑब्वियसली सराउंडिंग से गैदर कर रहा है, सराउंडिंग से ली जा रही है, ठीक है. जबकि इसके केस में ये एक बल्क फिनोमेना है. बॉइलिंग जो है वो एक बल्क फिनोमेना है, वो इसीलिए है क्योंकि बॉइलिंग एक एंटायर लिक्विड में होती है, पूरे एंटायर लिक्विड में होती है बाय द कन्वेक्शन करंट. कन्वेक्शन करंट क्रिएट होती है, कन्वेक्शन साइकिल क्रिएट होती है, क्योंकि जब आप इसको हीट दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं है इसलिए आपको हीट तो देनी पड़ेगी, एक्सटर्नल हीट इज रिक्वायर्ड. तो जब आप हीट देते हैं तो सबसे पहले नीचे के मॉलिक्यूल्स वार्म अप हो जाते हैं, बिकम्स लाइटर, सो दे गोज अप एंड द अपर मॉलिक्यूल्स comes down and this cycle continue until the entire liquid completely uniformly heated, ठीक है. जब तक पूरा लिक्विड पूरी तरह से एक रूप समान रूप से यूनिफॉर्मली हीट नहीं हो जाता है, तो जैसे ही इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस गेन हो जाता है, वाटर चेंज इनटू द स्टेट, अपनी स्टेट को चेंज कर देता है एंड दैट इज कॉल्ड द गैस स्टेट. सो दिस इज कॉल्ड द बॉइलिंग. सो दिस इज द फास्ट प्रोसेस. कैसा प्रोसेस है? फास्ट प्रोसेस है, ठीक है. दिस इज द डिफरेंस. आप देखेंगे इसमें जब एक एक मॉलिक्यूल्स ऊपर के निकलते जा रहे हैं, अपनी स्टेट को छोड़ रहे हैं ऊपर ऊपर की लेयर के, तो यहाँ पर कोई बबल्स का फॉर्मेशन नहीं है. तो यहाँ देखेंगे आपका इस केस में, आपका इवोपोरेशन के केस में नो बबल्स फॉर्मेशन, लेकिन बॉइलिंग हो रही है, बॉइलिंग में बबल्स बनेंगे कि ऊपर के मॉलिक्यूल नीचे जाएंगे, नीचे के मॉलिक्यूल सॉरी और नीचे से जो मॉलिक्यूल ऊपर आएंगे, तो इट मींस कि यहाँ पर जो है बबल्स का फॉर्मेशन होता है. आपको दिखाई कैसे देगा? आप कैसे इसको ऑब्जर्व करेंगे कि बॉइलिंग हो रही है? यू कैन सी बाय द हेल्प ऑफ द बबल्स फॉर्मेशन. बबल्स फॉर्मेशन
फॉर्मेशन, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है बबल्स का फॉर्मेशन होगा, तो क्या सो दैट कि यू कैन ऑब्जर्व दैट कि बॉइलिंग इज कंटिन्यू चल रही है, ठीक है, तो आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। दूसरी बात आती है कि जो इवोपरेशन होता है, इवोपरेशन जब भी होता है, मैंने भी आपको बताया कि इवोपरेशन वो कॉन्सेप्ट है जिसमें हीट जो होती है सराउंडिंग से गैदर्ड होती है, सराउंडिंग से ली जाती है, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग डिक्रीजेस, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग डिक्रीजेस, ठीक है, सराउंडिंग का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, सो इट क्रिएट द कूलिंग इफेक्ट आता है, ठीक। बट इन दिस केस, अगर मैं इसमें बात करती हूँ, तो इस केस में अगर मैं बात करूं बॉइलिंग के केस में तो आप हीट दे रहे हैं, एक्सटर्नल हीट आप दे रहे हैं, तो यहां पर सराउंडिंग का टेम्परेचर कोई डिक्रीज नहीं होता, सो दिस डज नॉट कॉज एनी कूलिंग इफेक्ट, सो नो कूलिंग इफेक्ट इज क्रिएटेड, नो कूलिंग इफेक्ट इज created, so we can say these are the differences between the evaporation or boiling. So in this way evaporation and boiling are differentiated to each other, because the evaporation, let's see again ki evaporation is a concept that it is a conversion of the liquid into gas state at any temperature below the boiling point. Evaporation bhi ek aisa concept hai jo ki kis par hota hai, it is a conversion of liquid into gas, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना है ये भी, लेकिन एक किसी भी टेम्परेचर पर होता है बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, विदाउट अचीविंग ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, बिना बॉइलिंग पॉइंट को अचीव किए होता है कॉन्सेप्ट, अगर ये कॉन्सेप्ट ऐसा है। जबकि अगर हम बॉइलिंग की बात करें तो बॉइलिंग वो कॉन्सेप्ट है जो कि एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर चलता है, वो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। आप जानते हैं पानी की बात करें तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो क्योंकि यहां पर इवोपोरेशन के लिए बिलो द बॉइलिंग पॉइंट है आप जानते हैं, तो बिलो द बॉइलिंग पॉइंट चलता है कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पर हीट कहाँ से ले जा सकती है, सराउंडिंग से हीट ले लेता है मटेरियल इवोपोरेट होने के लिए। जबकि अगर मैं बात करूँ बॉइलिंग पर 100 डिग्री सेल्सियस पर ही होती है, तो 100 डिग्री सेल्सियस तो हमारे एटमोसफेयर का टेम्परेचर होता नहीं है, तो ऑब्वियसली कि आपको हीट की रिक्वायरमेंट होती है, आप हीट देते हैं तभी वो बॉइलिंग पॉइंट अचीव किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है ये क्योंकि हीट सराउंडिंग से ले रहे थे, ये कंसेप्ट जो होता है स्लो चल रहा था, बहुत स्लो होता है, जबकि आप इसमें हीट दे रहे हैं तो आपको जल्दी काम होगा, काइनेटिक एनर्जी जल्दी इंक्रीज होगी, सो इट इज अ फास्ट प्रोसेस है, यानी द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस स्टेट व्हेन टेक्स प्लेस एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, सो इट इज अ फास्ट प्रोसेस होता है, बिकॉज यू सप्लाई द हीट, उनको हीट सप्लाई कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। एक बात हुई, नेक्स्ट पॉइंट है कि एक सरफेस फिनोमेना, क्योंकि सबसे पहले वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, अपर सरफेस के जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सराउंडिंग से हीट लेते रहते हैं, ऊपर के वाटर मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक हो जाता है, स्पेस इंक्रीज हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, तो जो अपर मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के वो सबसे अपर सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं क्योंकि उनके बीच का फोर्स टूट गया तो आसानी से अपनी स्टेट को चेंज कर लेते हैं, गो इनटू द गैस स्टेट में चले जाता है। अगर मैं इसमें बात करूं तो एक बल्क कॉन्सेप्ट है क्योंकि यहां पर एंटायर लिक्विड में चल रहा है, तो नीचे के मॉलिक्यूल्स वार्म अप होकर ऊपर चले जाते हैं, ऊपर के मॉलिक्यूल्स नीचे आते हैं, तो ये जब तक चलता रहता है जब तक कि एंटायर लिक्विड यूनिफॉर्मली हीट गेन नहीं कर लेता, जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस अचीव हो जाता है मैटर अपनी स्टेट को लीक कर जाता है, इसलिए यहाँ पर कोई इसमें बबल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, तो कि आप बबल्स बनते हैं आप आसानी से इसको नोटिफाई कर सकते हैं कि हाँ भाई बॉइलिंग हो रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं इवोपोरेशन की बात करूँ तो इवोपोरेशन के केस में टेम्परेचर सराउंडिंग से लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि हीट सराउंडिंग से जा रही है तो ऑब्वियसली टेम्परेचर सराउंडिंग डिक्रीज हो जाता है, इवोपोरेशन केस में सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज हो जाता है, सो इट कॉज अ कूलिंग इफेक्ट आता है, लेकिन बॉइलिंग केस में कोई कूलिंग इफेक्ट के चांसेस ही नहीं है, कोई कूलिंग इफेक्ट क्रिएट नहीं होता, क्योंकि आप तो हीट दे रहे हैं, कोई सराउंडिंग से हीट नहीं ली जा रही है, इसलिए यहाँ पर कोई कूलिंग इफेक्ट क्रिएट नहीं होता। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।